वेलकम टू लाइफ इन भिवंडी, मैं मंता शास्त्रार। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बीएनसीएमसी का रवैया सख्त। भिवंडी के शांति नगर वार्ड नंबर 14 के कई दुकानदारों पर प्लास्टिक के इस्तेमाल की वजह से की गई कार्रवाई। वार्ड नंबर 14 के इंचार्ज भरत और उनकी टीम ने दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानों से 14 किलो प्लास्टिक जब्त की। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई बीएनसीएमसी कमिश्नर सुधाकर देशमुख और डीएमसी जिजाड़े के गाइडेंस में की गई थी और इसी तरह की कार्रवाई भिवंडी महानगर पालिका के क्षेत्र में की जाएगी। साथ ही वार्ड नंबर 14 के इंचार्ज भरत ने शहर वासियों से अपील की है कि प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल बंद किया जाए, बल्कि कपड़े की थैली का इस्तेमाल शुरू किया जाए, जिससे भिवंडी स्वच्छ और सुंदर बनेगी। वार्ड इंचार्ज से हमारी टीम के आमिर अंसारी ने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर ये वीडियो आप Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। नगर पालिका वीडियो सर, आज ये जो आपने वार्ड नंबर 14 में जो प्लास्टिक बंदी के ऊपर जो कार्रवाई की है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? प्लास्टिक तो सिंगल यूज प्लास्टिक वगैरह ये सब प्लास्टिक बंदी है फिलहाल। तो फिलहाल मतलब पहले से ही कार्रवाई चालू है। हमारे माननीय आयुक्त साहब और माननीय उपायुक्त आरोप और हमारे सिटी के उन्होंने हम आदेश दिया हुआ है और सब जगह पर भिवंडी में बहुत बड़े पैमाने पर अपना प्लास्टिक जब्ती का काम चालू है। और हम पहले सब दुकानदारों को, हाथगाड़ी वालों को पहले हम एक सूचना दे रहे हैं कि प्लास्टिक बंद करिए, अगर दूसरी बार अगर मिला तो फिर उनको फाइन देना पड़ेगा। तो आज पिछले दो दिन से हम लोग पूरे वार्ड में और पूरे भिवंडी में भी जगह जगह पे सब कर्मचारी अधिकारी प्लास्टिक जमा करने का काम चालू किया है। ऐसे हमारा काम कर रहे हैं, पब्लिक और दुकानदार भी हमारा साथ देंगे तो बहुत अच्छा होगा और भिवंडी सिटी बहुत अच्छा हम लोग क्लीन कर सकते हैं। प्लास्टिक जितना कम होएगा उतना अच्छा अपने लिए। पब्लिक से भी यही अपील करेंगे कि घर से निकलते हुए अपन कपड़े का थैली यूज निकालेंगे, लेके निकलेंगे तो दुकानदार भी बेचेगा नहीं और ऊपर कंपनी भी बंद कर रही है। पब्लिक का कहना यही है, दुकानदारों का कहना है कि हम लोग से लेते हैं, ऊपर कंपनी को बंद कर देंगे। अगर हम लेना बंद कर देंगे तो कंपनी वाला खुद बनाना बंद कर देगा। तो हम घर से निकलते हुए कपड़े का थैली लेके निकलेंगे तो प्लास्टिक वाला बेचना बंद करेगा और कंपनी बनाना भी बंद कर देगी। पब्लिक से इतना ही अपील है कि हम लोग उनकी दुश्मन नहीं है, हम भी हमारा काम कर रहे हैं, वो भी अपना फर्ज भिवंडी के प्रति दिखाए और प्लास्टिक यूज़ करना बंद कर देंगे, ये अच्छा रहेगा। थैंक यू।